उत्तर प्रदेश में सपा बसपा के गठबंधन को देखते हुए और खुद की मजबूती को और मजबूत करते हुए चुनाव में उतरने की रणनीति बना ली है। और ऐसे में भाजपा ने अपना दल के साथ मिलकर दो सीटों के लिए गठजोड़ कर लिया है। आपको बता दें कि चूंकि उत्तर प्रदेश चुनावी लिहाज से एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है और ऐसे में हर एक चुनावी पार्टी हर लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में अपनी पैठ बनाने की जुगत में लगी हुई है। ऐसे में प्रियंका गांधी की पहले तो कांग्रेस में एंट्री हुई और उसके बाद सपा बसपा ने गठबंधन कर लिया, जिसे देखते हुए भाजपा ने भी अब ठोस कदम उठाने की सोची है। और उसको देखते हुए भाजपा ने इस बार अपना दल से दो सीट साझा कर मैदान में उतरने की तैयारी की है। तो देखते हैं कि आखिर भाजपा की रणनीति कितनी काम आती है भाजपा को जीत दिलाने के लिए। और एक बार फिर से मोदी सरकार आती है यानी, और उत्तर प्रदेश में आखिर मोदी सरकार का क्या प्रदर्शन होता है आने वाले लोकसभा चुनावों में। सूत्रों के मुताबिक ये गठजोड़ बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और अपना दल की अनुप्रिया पटेल के समक्ष हुआ है। SPN9 न्यूज रूम से रक्षा की रिपोर्ट।